दर्द से भरे कुछ किस्से जो समय समय पर आए हमारे हिस्से, कभी कौम के लिए शहादत दी तो कभी देश के लिए, कभी स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ आया, कभी साका ननकाना साहिब धार्मिक स्थलों की हुई महंतों से मुक्ति, तो कभी मोर्चा गुरु का बाग, कभी देश को हिलाकर रख देने वाला विभाजन, तो कभी न सोचा हो ऐसा प्रलय। सुबह हुई लेकिन सुबह का उजाला भी अंधेरी रात की याद दिलाता रहा। पर जब 2014 में देश में सम्मान का सूरज उगा, तब एक सुखद एहसास हुआ कि मानो किसी ने घाव भरने की शुरुआत की हो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कदम प्यार और सम्मान से भरा था। मानो हमारे पावन गुरुओं ने उन्हें पथ दर्शक बनाकर हमारे कल्याण के लिए भेजा हो। चाहे 1984 के नरसंहार की वेदना हो या श्री करतारपुर साहिब के पवित्र दर्शन के लिए हर सिख की ख्वाहिश, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सिख समुदाय के पक्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने हमारे पड़ोसी राष्ट्र के साथ चल रही समस्याओं को दरकिनार किया और सिख कौम की भावनाओं का सम्मान करते हुए पावन गुरु धामों के खुले दर्शन को प्राथमिकता दी। मोदी सरकार ने विदेशी सिख नागरिकों के नाम ब्लैक लिस्ट से हटाने का निर्णायक कदम उठाया, जिससे वे भारत में अपने परिवारों से मिलने आ सकते हैं। भारतीय वीजा और ओसीआई कार्ड प्राप्त करने और अपनी मातृभूमि से फिर से मिलने जुड़ने के लिए किया गया यह प्रयास सराहनीय है। मोदी जी के संकल्प और निष्पक्ष व्यवहार के फलस्वरूप श्री दरबार साहिब के लिए दशकों पुराना FCRA पंजीकरण विवाद समाप्त हुआ है। सितंबर 2020 में श्री दरबार साहिब को FCRA पंजीकरण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिससे अब सिख समुदाय हजारों मील दूर रहकर भी श्री दरबार साहिब के साथ अपने आध्यात्मिक जुड़ाव को और मजबूत कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी की विश्व यात्रा की विरासत को संरक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत श्रद्धा भाव के साथ गुजरात के कच्छ में लखपत साहिब गुरुद्वारा में पहली पातशाही का नवीनीकरण करवाकर उसकी प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करवाया। ये वो स्थान था जहां से गुरु नानक देव जी अपनी मिशनरी यात्रा में मक्का के लिए रवाना हुए थे। इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की लकड़ी की खड़ावां संरक्षित है। लखपत में गुरुद्वारा का भूकंप में नुकसान हुआ था, मैं वहां गया देखने के लिए, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगैरह बाहर से कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहां चरण पड़े। प्रधानमंत्री जी का सिखों के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने अपनी सरकार को लंगर की सामग्री पर लगने वाले GST में से 325 करोड़ वापस देने का निर्णय लिया है और परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया है। प्रधानमंत्री जी ने मानवता के लिए पथदर्शक गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु कई निर्णायक कदम उठाए हैं। ये उनके प्रयासों से संभव हो पाया है कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व वैश्विक स्तर पर मनाया गया। उनके आग्रह से ही
आज कई विदेशी भाषाओं में भी सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चार साहिबजादों की वीरता और आदर्श समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साहिबजादों के साहस के लिए एक उचित श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार ने 26 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करते हुए बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी के अतुलनीय बलिदान और साहस को उजागर किया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन और दिल्ली के लाल किला परिसर से राष्ट्र को संबोधित करना प्रधानमंत्री जी के सिख समुदाय के प्रति सम्मान और आदर को दर्शाता है। जिस सम्मान का सिख समुदाय हकदार था, उन्हें वो सम्मान दिलाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए हमने हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ शीर्षक से एक पुस्तक संकलित की है। ये पुस्तक सिख समुदाय के समर्थन में खड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़े और हर भारतवासी का कल्याण हो।